अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आजकल जो अमेरिका के हालात हैं। मुख्तलिफ कंट्रियों के वज़ीर आज़म आज अमेरिका में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर दो ममालिक के वज़ीर आज़म, पहला भारत का वज़ीर आज़म और दूसरा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। और हम इसके साथ साथ जो इस टॉपिक पर बात करेंगे वो हैं कि आज इमरान खान, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मीटिंग हुई उनमें सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या क्वेश्चन पूछे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको क्या आंसर किया, आज हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। आज जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई उसका मैं सबसे पहले आपको खुलासा बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और इंडिया का वज़ीर आज़म यानी इमरान खान और नरेंद्र मोदी इस कश्मीर के मसले को बैठ कर हल करें। ट्रंप ने कहा, बहुत अच्छा होगा अगर पाकिस्तान और भारत कश्मीर का हल निकालें, हम सब ऐसा देखना चाहेंगे और मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आज़म खान अगर एक दूसरे के साथ मिल बैठें तो वाकई काफ़ी मुस्बत रिज़ल्ट मिलेंगे। सहाफ़ी ने जो डोनाल्ड ट्रंप से पहला सवाल किया, दुनिया में दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी का मरकज़ है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर उसका आंसर किया, उसका जवाब दिया, कल मैंने वज़ीर आज़म खान के साथ बहुत ही मुस्बत मीटिंग की, काफ़ी लंबी मीटिंग थी और हमने कई मामलों पर बातचीत की और आपने यानी सहाफ़ी ने पाकिस्तान की बात की, लेकिन ईरान मेरी नज़र में दहशतगर्दी का मरकज़ है और दहशतगर्द रियासतों में काफ़ी अरसे से अव्वल नंबर पर है। सहाफ़ी ने जो दूसरा सवाल डोनाल्ड ट्रंप से किया वो ये है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का बयान है कि पाकिस्तानी रियासत ने अलकायदा को ट्रेनिंग दी और इसको कैसे आप देखते हैं। ट्रंप ने इस पर जवाब दिया, मैंने ये नहीं सुना, मैंने ये नहीं सुना। तो रिपोर्टर ने फिर मुखातब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कबूल किया कि 30 से 40 हज़ार दहशतगर्द अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ट्रंप ने फिर इस पर रिप्लाई किया, इसको जवाब दिया, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म मोदी इसको देख लेंगे। तीसरा सवाल जो सहाफ़ी ने डोनाल्ड ट्रंप से किया, पाकिस्तान की रियासती दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई रोड मैप है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ हंसते हुए कहा, आपके रिपोर्टर्स बहुत शानदार हैं, काश मेरे पास भी ऐसे रिपोर्टर्स होते। इसका मतलब जो आखिरी दो क्वेश्चन उसने सहाफ़ी ने किए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जवाब नहीं दिया और उनको हंस कर इस बात को टाला है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन किया है सहाफ़ी ने सिर्फ उसका जवाब दिया है कि काफ़ी मैंने कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मीटिंग की है, मुस्बत मीटिंग भी थी, काफ़ी लंबी मीटिंग थी। और जो मतलब कि जो इसका खुलासा है वो यही है कि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान मिल बैठ कर इसका फैसला करें